स्रष्टा तुम्ही हो, तुम्ही जगोत्तम शरण तुम्ही हो। शरण
सभी सादर में बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा का सुंदर क्रम आगे बढ़ते हुए आज हम सभी राजस्थान के एक सुंदर धरा जयपुर, जिसे कि गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है, और इस क्षेत्र पर अनेक वीतरागी जिन मंदिर विराजते हैं। लगभग 300 से अधिक जिन मंदिरों के बारे में तो नाम हम लोग सभी जानते हैं कि 300 से अधिक जिन मंदिर इस जयपुर शहर में है, और राजस्थान पूरा ही देखे जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, जैन शासन के प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से राजस्थान में अनेक जिन मंदिर हैं, और इन जिन मंदिरों के क्रम में आज हम सभी यहाँ पर पहुंचे हैं मंगल तीर्थ के दर्शन करने के लिए। कुरावली नाम का यह क्षेत्र और इस क्षेत्र पर विराजमान वीतरागी भगवंतों में भरत भगवान, आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान की खड़गासन मुद्रा में 3 प्रतिमाएं, और इसी के साथ साथ एक और क्षेत्र है जयपुर का मंदिर खजांची की नसिया के नाम से, इन दोनों क्षेत्रों पर हम सभी पहुंचे हैं। हमें प्रसन्नता है जब इस क्षेत्र की सूचना दी गई तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ पुराने स्वाध्याय परिवार में, जो कि इस ग्राम या इस कुरावली नगर से ही जुड़े हुए हैं, ऐसे साधन में बंधुओं की सूचना भी आई कि हमें प्रसन्नता है हमारे नगर के जिन मंदिर का दर्शन आज किया जा रहा है। ऐसे परिवार के सदस्य हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते भी हैं। साथ ही साथ ये सहज ही है कि जब हम कल चंडीगढ़ के जिन मंदिर के लिए दर्शन गए थे, अभी तक पंजाब चंडीगढ़ से एक एक राज्य था जिसमें मुझे जानकारी नहीं थी कि हमारे साथ स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में लगभग कोई जुड़ा है। अगर हम अंदाज लगाएं तो 27 से 28 राज्य भारत में यदि हैं, तो उसमें से 22 राज्यों के साधर्मी बंधु अपने साथ जुड़ते थे। कल पंजाब चंडीगढ़ से भी एक साधर्मी का मुझे मैसेज आया कि मैंने जब वीडियो देखा और मुझे पता चला, बोले मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे जिन मंदिरों के दर्शन भी इस क्रम में हुए हैं और वह स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में कल जुड़े। इस तरह से हम सभी जो निरपेक्ष भाव से अपनी आराधना के लिए भगवंतों का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन मनन पूजन स्वाध्याय कर रहे हैं, निश्चित ही इसमें जो भव्य जीव हैं और जिन्हें महाभाग्य से तत्व मिला है, भगवंतों के दर्शन मिले हैं, उनका साथ सहज बनता चल रहा है। आइए हम सभी आगे की ओर चलते हैं और आज की मंगलमय पूजन प्रारंभ करेंगे। इस उरावली क्षेत्र जो कि बहुत प्राचीन और बहुत सुंदर क्षेत्र, साथ ही साथ खजांची की नसिया, यहाँ पर भी आदिनाथ भगवान, और इस करावली जिन मंदिर में भी आदिनाथ भगवान मूल नायक रूप विराजते हैं। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो, जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। ज्ञानी के ज्ञान गुफा में आत्म राम रहते हैं, राम रहते हैं सदा भगवान रहते हैं। ज्ञानी के ज्ञान गुफा में आत्म राम रहते हैं, राम रहते हैं स्वयं भगवान रहते हैं। हो सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से भव समुद्र नहीं देखता, पूर्ण हुए सब धन्यवाद सब कर मादक प्रणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लगा। तो संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रह हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममता। भव कारण में था तपा नाशक ज्ञान सुहान, उदित हुआ मुझ में प्रभु जी के आप समान। हो मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञान आज के गुण आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। हो दीन भावना मिट गई चिंता मिटी से, निज प्रभु का पाई प्रभु रहा नित पाई। हो शरण रहा था खोज का इस संसार मजा, निज आत्म मुझ को
हिंदी भाषा के पाठ के माध्यम से आई हम सभी पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करते हैं। अरहंत सेत सुरी रामा ओ जाय साधु रामा परमेष्टि चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में आप तेर से पुछा तू गया मैं धर्म स्मरण हम सभी जीवों को मंगलमय है, मंगलकारी है, सर्व पापों से मुक्त होने के लिए और अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए आइए इस मंगल विधान भाषा का पाठ प्रारंभ करते हैं। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र पावन फिर से ही पर में भक्त हुए शिकारी सब आराधन है छिपे। और आइए कुरावली के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर और साथ ही साथ खजांची की नसिया जयपुर में विराजमान आदिनाथ प्रभु और समस्त वितरागी भगवंतों का मंगल स्मरण कर 1800 लक्षणों से सुशोभित परमात्माओं को यहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके मेरी है सामर्थ्य कहाँ मैं करूँ वंदना तेरी ओ मेरे आदिनाथ तुझ पर भी कृपा कर दो मेरे आदिनाथ तुझ पर भी कृपा कर दो मेरे आदिनाथ मैं करूँ वंदना तेरी मैं करूँ वंदना तेरी हे मेरे पारसनाथ ओम ने
श्री भगवदीन अष्टाधिक सहस्रनाम में भी अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जब सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ कोई प्रतिज्ञा अंगीकार की जाती है तो निश्चित वह प्रतिज्ञा लक्ष्य तक लेकर की जाती है। आइए हम प्रतिदिन प्रातः काल सर्वप्रथम वीतरागी भगवंतों के समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं। हे प्रभु, मुझे भी परम शुद्ध दशा की प्राप्ति हो, मैं अपने स्वभाव को प्राप्त करूं और संसार का अभाव हो सके ऐसा पुरुषार्थ आपके दर्शन पूजन से प्रकट होवे, इस मंगल भावना से पूजा प्रतिज्ञा पाठ। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है शाद पूजा विधि करूंगा, जो भाग्य प्राणियों को मैं पुण्य बंत ले प्रकट दिखाई ऐसे लोक गुरु गव स्वस्ति नायक ज्ञान दर्शन आयक वीर प्रेरणा मुक्ति मुझको भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना पर्याय शोधि हेतु अविलंब मैं लीना। अब युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट दूसरा प्रिय द्वारा मैं जी प्रभु बनूंगा। पुराण पुरुषोत्तम हे गुरु हितम कर सब वस्तु में तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु के पाप द्वारा परिणति हुई विकारी मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। इति पुष्पांजलिं शिवे नित पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। वास्तव में यह भावना कोई वितरागी भगवंतों के दर्शन आदि करने का जो मंद कषाय का परिणाम है तो भगवंत के समक्ष ही प्रतिज्ञा अंगीकार की जाती है कि हे प्रभु, मैं निष्कषाय स्वभाव की प्राप्ति के लिए शुद्ध योग की शरण ग्रहण करता हूँ और जब मैं उसकी शरण में जाऊंगा तो निश्चित ही यह पुण्य पाप का जो संसार चक्र है यह सहज ही छूट जाएगा। ऐसा मंगल भावना के साथ आइए हम उन 24 तीर्थंकर परमात्माओं को मंगल स्मरण करेंगे जो आज श्रद्धालय में विराजमान है। इस स्वभाव की साधना के बल पर जब ये 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जिन तेरो सुजस उजागर पावत है मुनि जन ज्ञानी ते सुजस उजागर पावत है मुनि जन ज्ञानी ते सुजस उजागर पावत है मुनि जन ज्ञानी सुजस उजागर पावत है मुनि जन ज्ञानी संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक श्रीपाद विमल प्रभु और शांति को तुम कल विधायक नाथ माली मुनि शोकत जी नाथ ने मेरु पात प्रभु श्री भय विमान जिन सुख वरदत निज पा
सभी चल रहे हैं एक सुंदर क्षेत्र की ओर और इस सुंदर क्षेत्र जो कि यहाँ आदिनाथ बाहुबली भरत भगवान के साथ साथ दोनों ही जिन मंदिर में आदिनाथ प्रभु विराजते हैं ऐसे कुरावली राजस्थान के क्षेत्र और साथ ही साथ जयपुर की इस खजांची जी की नसिया के आमंत्रण करता है हमारे आज से आज के श्री वेणी चंद जी रूपी देवी जी भरत कुसुम जी संयम प्रांजल जैन परिवार कुरावली वर्तमान निवासी मुंबई साथ ही श्री रमेश जी मनवाला जी चेतन जी परिवार उदयपुर और श्रीमती विद्या जी जैन प्रमोद कुमार जी जैन प्रथम जी जैन प्रणय जैन पवन जी प्रियंका देवांश दिव्यांशी सांवला कोटा राजस्थान और हमारे महावीर जी कुंडलिया जो कि उनके द्वारा भी मुझे मैसेज प्राप्त हुआ था कि आप भी इसी कुरावली नगर से महावीर जी से देवीलाल जी साहब का परिवार देवीलाल जी साहब का परिवार मतलब परिचय कराऊं जिनके पास पालने का झूला है छोटा और जो कल्याणक महोत्सव में जिनके झूले के साथ हम भगवंतों का कल्याण महोत्सव मनाते हैं वो है हमारे देवीलाल जी साहब। तो ये सभी परिवार राजस्थान मूलतः निवासी और साथ ही साथ में उस कुरावली क्षेत्र से भी आप जुड़ते हैं साथ ही साथ हमारे कुंडलिया परिवार ने भी चूंकि उनके गांव के मंदिर का दर्शन है आज वह पूरा परिवार बहुत ही अपने ग्रह चैत्यालय में हाँ साथ में बैठे हुए हैं उनका ग्रह चैत्यालय के भी दर्शन आज हमें हो रहे हैं। देखिए इस विधि से हम स्वीकृति हो सकती है कि अष्ट द्रव्य पूजा हो लेकिन जब तक सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य सामने नहीं हो तो अष्ट द्रव्य पूजन अपन नहीं करते हैं। पर सहज ही देखिए इनके परिवार में इनका ग्रह चैत्यालय है और घर के ही जिन मंदिर में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आइए हम सभी वितरागी भगवंतों का मंगल स्मरण कर देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करते हैं। मेरे चारों शरण साई मेरे चारों शरण साई मेरे चारों शरण साई वो मेरे चारों शरण साई जैसे जल्दी परत वायस को जैसे जल्दी परत वायस
चारो शरण सहाय मेरे चारो शरण सहाय प्रथम शरण हर हस्त चरण की प्रथम शरण हर हस्त चरण की शरण हर पूजत पाई शरण हर पूजत पाई तुतीय शरण श्री शेखर के द्वितीय शरण श्री सेतन के लोक तिलक पुरनाई लोक तिलक पुरनाई मेरे चारो शरण सहाई मेरे चारो शरण सहाई हाँ जी, हमारी ओर से परिवार अर्घ अर्पित करेंगे वीतरागी भगवंतों को। ओम ऐं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घं निर्वपामिति स्वाहा अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर सहज योग यहाँ बना। हम सभी वीतरागी भगवंतों के मंगलमय दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आइए आज हम सभी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, भरत भगवान और बाहुबली भगवान, इन तीन जो एक ही परिवार से हुए और आज भी एक ही साथ हैं सिद्धालय में, ऐसे भूतकाल में जिन्होंने धर्म आराधना आत्मा आराधना के बल से सिद्धत्व प्राप्त किया और वर्तमान में जो सिद्धत्व स्वभाव के आनंद को भोगते हैं, ऐसे आदिनाथ बाहुबली और भरत भगवान के मंगलमय दर्शन आज इस क्षेत्र पर करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। आज उनकी पूजन के माध्यम से गुण चिंतन करेंगे, पुरुषार्थ की प्रक्रिया को समझेंगे और एक सतकुल कैसा होता है, एक अच्छा परिवार कैसा हो सकता है, इस आदर्श बात को भी जानने का प्रयास करेंगे। जिस कुल में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, ना केवल वहां भरत बाहुबली भगवान हुए बल्कि इस इक्ष्वाकु वंश में अनेक तीर्थंकर आगे परंपरा में हुए और वर्तमान तीर्थंकर के रूप में आदिनाथ प्रभु और अंतिम तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन में हैं, वह भी इसी कुल से संबंधित थे। और प्रसन्नता की बात है, हम भी इसी कुल के हैं, क्योंकि हम वीतरागियों के कुल के हैं तो निश्चित ही है हमारे पूर्वज आज संसार दुखों से मुक्त होकर सिद्धालय में विराजते हैं और उनके पथ के अनुगामी बनके हम उनकी विरासत को संभालते हुए और उनके मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अल्प काल में सिद्धत्व दशा को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से आइए हम सभी स्थापना पद के लिए अपने स्थान में खड़े होते हैं। जय बोले आदिनाथ बाहुबली भरत भगवान की जय हो। सुनो सुनो रे, सुनो सुनो रे, जिन वाणी मीठे बोल बोले बोल बोले
भोले आगम की वाणी में मारो मन डोले सुनो 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 रे जिन वाणी मिटे गोल बोले गोल बोले आगम की वाणी में मारो मन डोले आगम की वाणी में मारो मन डोले आज तुम्हारा दर्शन पाया बाबापुर के महावीरा ने सब भक्तों को पार लगाया बाबापुर के महावीरा ने सब भक्तों को पार लगाया गाओ रे गाओ गाओ रे मन मोने मोने भोले 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 आदम की वाणी में मारो मन डोले आदम की वाणी में मारो मन डोले आत्मदन पद प्राप्त बाहुबली चक्र आदि सुमृतेश्वर दर्शन करते हो जनेश्वर भक्त भाव करो समस्त पूजन में भी जिस पद पाने करो करो रे प्रभु के दर्शन भोले 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 आगम की वाणी में मारो मन डोले आगम की वाणी में मारो मन डोले आगम की वाणी में मारो मन डोले। और आइए हम सभी भरत बाहुबली और आदिनाथ भगवान का मंगलमय दर्शन कर उन्हें अपनी परिणति में आह्वान करते हैं। हे प्रभु अत्र मम सन्नेतो भव षट् सन्धिकरणं पुष्पांजलिम् ओम ह्रीं श्री आदिनाथ बाहुबली भरतेश्वर जिनेन्द्र समूह अत्र अवतर अवतर समूह शक्त्यावनम् ओम ह्रीं श्री आदिनाथ बाहुबली भरतेश्वर जिनेन्द्र समूह अत्यतिष्ठ इति स्थापनम् ओम ह्रीं श्री आदिनाथ बाहुबली भरतेश्वर जिन समूह अत्र मम सन्नेतो भव षट् सन्धिकरणं परिपुष्पांजलिम् क्षिपे। और आइए मंगल स्तवन और आह्वानन के उपरांत हम सभी अपने स्थान पर बैठकर अब वितरागी भगवंतों का मंगल गुणानुवाद करते हुए इस भरत क्षेत्र के वर्तमान के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव परमात्मा और उनके ही कुल में हुए आदिनाथ भगवान और क्षमा करेगा बाहुबली भगवान जो कि कामदेव के समान और भरतेश्वर जो चक्री और तीन लोक के नाथ आदिनाथ परमात्मा तीर्थंकर यानी देखा जाए तो शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ जो तीन पदवीधारी थे ये तीन पदवियों के धारी इस कुल में तीन जीव हुए और आज सभी के सब इन पदवियों से पार सिद्धत्व पदवी के धारी होकर सिद्धालय में विराजते हैं। ऐसे भगवंतों का मंगल स्मरण हम सभी के जन्म मरण के क्षय का कारण बने इस पवित्र भावना से यहाँ पर अष्टक प्रारंभ होते हैं। शांति सुधा वर्षा गए गुरु धोई बिरिया शांति सुधा वर्षा गए गुरु धोई बिरिया समय सार समझा गए गुरु धोई बिरिया समय सार समझा गए गुरु धोई बिरिया धोई बिरिया गुरु धोई बिरिया हर चंदन में तुझ शक्ति नहीं
दिखाया है तुमने
बहुत ही सुंदर पूजन और इस क्षेत्र के दर्शन के लिए हम सभी पहुंचे हैं। निश्चित ही जो साधर में बंधु इस क्षेत्र के होंगे, हम उनके द्वारा इस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी हमें अन्य कोई तीर्थ दर्पण आदि पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। पता नहीं कहीं से भाग्य था तो ये दर्शन के लिए हमें वीडियो उपलब्ध हो गया। खोजते खोजते जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जो खोजते हैं उन्हें प्राप्त होता है। यह खोज तो अनादि काल से चल रही है और इस चतुर्थ काल के अंतिम समय में भरत क्षेत्र की इस पवित्र धरा पर आदिनाथ प्रभु अवतरित हुए। उनके द्वारा कहना चाहिए कर्म भूमि जब प्रारंभ हुई और भोग भूमि का अंत हुआ, तो इस कर्म भूमि में बड़ी आश्चर्यकारक घटनाएं देख करके लोग बड़े विस्मय में थे। यानी पहली बार जब किसी ने चंद्रमा देखा, यह बात आपको याद हो, हमने बहुत दिनों पहले कुलकरों की चर्चा करते हुए बात कही थी, चंद्रमा और तारे दिखे। क्योंकि जब भोग भूमि का काल होता है उस समय तो ऐसा प्रकाश होता है वृक्षों से कि सूर्य की कांति भी ना दिखे तो दिन ही दिन रहता है, बिल्कुल प्रकाश पुंज जैसा ही पूरा समय रहता है। और जब वह कल्प वृक्ष लुप्त तो होने लगे तो फिर बाहर में जो प्रकृति की अन्य क्रियाएं थी वह दिखना प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले ये जो चंद्रमा तारे आदि दिखे, इसे देखकर लोग भयभीत हो गए, क्योंकि अंधकार हुआ और चंद्रमा चमकते दिखे तो उनको तो ऐसा लगा हो जैसे आज के अज्ञानी लोगों को ऐसा लगे कोई एलियन आ गया हो कोई दूसरे देश से, दूसरे ग्रह आदि से, जैसे आजकल होता ना, जरा भी कोई आश्चर्यकारक घटना हो जाए तो मीडिया चैनल वालों के पास जैसे कोई काम ही नहीं रहता, 24 घंटे 24 टाइम वर्सेस वही दिखाते। ऐसे बहुत कौतूहल लोगों को उत्पन्न हुआ और क्रम क्रम से बहुत सारी चीजें हैं जो कि कुलकरों के द्वारा, नाभि राय जो कि मूल थे उनके द्वारा सिखाई जाना प्रारंभ हुई और आदिनाथ प्रभु के द्वारा उस मार्ग की कर्म भूमि में जीवों को असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या भी सिखाई गई। और यह दो विद्याएं मुख्य होती हैं, कला 72 पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका दूसरी जीवोद्धार। मतलब एक तो होती है जीवन जीना आना चाहिए और एक जीवन का उद्धार करना आना चाहिए। ये दोनों ही विधि आदिनाथ प्रभु ने कर्म भूमि के प्रारंभ में सिखाई और इस विधि को ना केवल प्रैक्टिकल करके दिखाया, अभी तो उनकी परंपरा में ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति पुरुषार्थ किया तो मोक्ष चला गया क्योंकि वो तीर्थंकर था, लेकिन उनके पुत्रों ने भी, बाहुबली और भरत चक्रवर्ती ने भी उस विधि को पूर्ण करके दिखाया कि भगवान जन्मते नहीं है बनते हैं, कि भगवान के घर में कोई जन्मा हो तीर्थंकर के घर में जन्मा हो इसीलिए वो भगवान बने हो ऐसा नहीं है, अभी तो जीव अपने पुरुषार्थ से बन सकता है। बहुत सुंदर अर्घावली इसमें चल रही है, क्योंकि देखिए जब भी पूजन होती है पूजन में दो भाव मुख्य रूप से होते हैं, एक तो भगवंतों की भक्ति और दूसरी होती अध्यात्म का पुट, क्योंकि भक्ति करते काल में हमारा प्रयोजन अपने स्वरूप और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है।
तो जब तक विनय गुण नहीं होगा, भगवंतों के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा, तब तक उन जैसा बनने का परिणाम नहीं आएगा। एक पंक्ति यहाँ पर आप विचार करें, यह भोग रोग की खान दिखे, अब यही भाव निष्काम रहूं, श्रद्धा के सुमन समर्पित है, प्रभु चाहता हमें नहीं दहूं। यह जो विषय भोग संसाधन है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, यदि हम भोग भूमि में होते तो कैसा होता? हम भोग भूमि में होते तो कैसा होता, या भोग भूमि में पहुंच जाए तो कैसा रहेगा? आपका मन क्या कहता है? क्योंकि कोई काम तो कुछ करना ही नहीं रहेगा, बैठ करके आनंद से जीवन व्यतीत करो। मैं आपसे पूछता हूँ, भोग भूमि में भी जो जीवन है और जीव थे, वह संसार परावर्तन में है कि नहीं? ये निश्चित संसार चक्र में ही पड़े हुए हैं। ये साता असाता का जो विकल्प है, यह संसार को छोड़ने नहीं दे रहा, संसार को पकड़ के रखा है। पाप के उदय में जीव, पाप का उदय चला जाए ये चाहता है, लेकिन पाप के उदय से ही दृष्टि हट जाए, ऐसा पुरुषार्थ करें तो योग्य परिणाम कहलाएगा। ऐसे ही प्रभु, यह भोग के रोग, यह जो भोग है, ये रोग की खान दिखे और निष्काम भाव, निरपेक्ष भाव मेरे श्रद्धान में आए, ऐसी भावना के साथ हे प्रभु मैंने अर्घ समर्पित किया। एक बहुत सुंदर पद आ रहा है, क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। और यह पद आदिनाथ बाहुबली और भरत चक्रवर्ती के जीवन से जुड़ता है। आपको ध्यान होगा, आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, बाहुबली ने 1 वर्ष तक तपस्या की, और भरत चक्रवर्ती ने जिनेश्वरी दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त काल में केवल ज्ञान प्राप्त किया। तीनों की घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन इसमें विचार करना है आहार किस किस का हुआ। तो आहार में मुख्य रूप से आदिनाथ भगवान को तो 6 महीने विकल्प नहीं आया, और 6 महीने विधि नहीं मिली, तो 7 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला, तो कैसा होता होगा? जब आहार नहीं मिलता होगा, आहार के लिए चले थे लेकिन आहार नहीं मिला, तो लौटते समय परिणाम कैसे होते होंगे? मैं आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब रिजन भैया के प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्यान की। जब आहार के लिए चलते हैं तो आहार के काल में विकल्प आया था कि इस देह को तब आराधना के लिए, इसके लिए जो आवश्यक है वह चाहिए, तो वह विकल्प देह के साथ होने के कारण आया। और जब वहां पहुंचे और विधि पूर्वक आहार नहीं मिला, तो तृप्त होकर के लौट के आ गए। कैसे तृप्त होकर लौट के आए? मैं अनाहारक स्वभावी हूँ, यह तो क्षुधा देह का धर्म था, मेरा धर्म तो अनाहारक है। ऐसा नहीं कि मुंह लटका के कि अरे इतने हम गए, इतने दिनों के बाद उसके बाद भी विधि नहीं मिली, ऐसा विकल्प आता ही नहीं ज्ञानी को। ये उनकी समता शांति है कि अनाहार है परम तप्त, नैवेद्य चढ़ाऊं भक्ति पगा, समरस पीते न तृप्त रह, पूजन करते यह भाव जगा। वास्तव में पूजन के काल में हम कुछ सेवन करते हैं कि नहीं? मंदिर जाते हैं दर्शन पूजन के लिए तो कुछ खा के जाते हैं, कि कुछ यदि खा भी लिया हो तो कुल्ला कर लेते हैं ताकि अशुद्ध मुख लेकर के नहीं जाए, लेकिन मंदिर में कुछ खाते हैं कि नहीं खाते? भगवंतों की पूजन भक्ति करते समय कुछ सेवन करते हैं कि नहीं करते? हाँ, आप लोग नहीं करते? नहीं करते? मैं तो करता हूँ। हाँ, तो क्या करते हैं कि हे समरस पीते नित तृप्त रहो, समता का रस पान तो चलता ही चलता है। अरे वही समता तो आत्मा का आहार है। किसका कह रहे हैं? आत्मा का आहार समता है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप खाते हो कि नहीं? अपन देह की तरफ से उत्तर क्यों देते? वो तो शरीर को खिलाया जाता है, वो शरीर खाता है, लेकिन हम मंदिर में तो शरीर संबंधी विकल्प को छोड़ के बैठते हैं, तो आत्मा का आहार तो चलता ही है। और ऐसे निराहार स्वभाव को लक्ष्य में लेने वाले, चाहे वह आदिनाथ भगवान हो, वह भरत भगवान हो, या बाहुबली भगवान हो, तीनों का जीवन बड़ा आदर्श है। एक ने राज्यपाट छोड़ा, एक ने युद्ध स्थल पे ही वैराग्य अंगीकार किया, और एक ने छह खंड के राज्यपाट वैभव को छोड़कर अखंड स्वरूप की आराधना के पंथ पर आगे चले। आइए इनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें और जयमाला पाठ के माध्यम से विशेष व्याख्यान प्रारंभ होगा। भटका था डगर जीवन की डगर, दे दो ने मुझे बुलाया, मुझे आत्म राम सुहाया, मुझे आत्म राम सुहाया, भटका था डगर जीवन की डगर, से दो ने मुझे बुलाया, मुझे आत्म
दर्शन का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ, ऐसे महावीर जी, देवीलाल जी साहब परिवार इस नगर विशेष से कुरावली से संपर्क रखते हैं, यह उनका नेटिव है। आइए मैं उनके माध्यम से थोड़ा सा इस जिन मंदिर के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हाँ जी महावीर जी, आपका आपके दो तीन एंगल से कैमरे लगे हुए हैं, रुकिए मैं फ्रंट एंगल ढूंढता हूँ। हाँ जी ये वाला, हाँ फ्रंट कैमरा अनम्यूट करिए फ्रंट। हाँ जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र। मुझे रात्रि में शायद आपसे ही मैसेज प्राप्त हुआ था क्या? हाँ जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, ये हमारे गांव करावली का मंदिर के दर्शन करा, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत अच्छा मंदिर है, सभी जन वहां पधारे यही भावना करते हैं। काफी विशाल मंदिर है, फर्स्ट फ्लोर। ये जो करावली है ग्राम कहाँ पड़ता है? राजस्थान में कौन से बॉर्डर है? उदयपुर के पास में है, उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पे है करावली जी। और मंदिर बहुत प्राचीन दिखता है। प्राचीन है मतलब समझो ना, एक 100 वर्ष पहले हुआ है, एक प्रतिष्ठा पहले हुई थी, अभी 50 साल पहले भी एक बार हुई है। अच्छा। और हर 5 साल में हम लोग के करावली गाँव में एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें सभी साधर्मी जुड़ते हैं, पूरे गाँव वासी सब मुंबई में रहते हैं, काफी लोग काफी अहमदाबाद रहते हैं, ऐसा है तो सारा एक सम्मेलन टाइप करते हैं प्रोग्राम। 5 वर्ष का एक टारगेट रखा हुआ रहता है कि हर सभी परिवार जहाँ भी हो वो सारे उस गांव में आए और पंच कल्याण के तरह से प्रतिष्ठा या विधान वगैरह आयोजन करके सारे सम्मिलित होते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपके इस नगर का हमें दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। और निश्चित मेरा, हाँ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात पूरी कर ले, अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब, अनम्यूट अनम्यूट। हमारे कावली गांव के काफी परिवार आपके इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, काफी टाइम से जुड़ रहे हैं, सभी को आनंद आ रहा है। आज मैंने सभी बहुत सारे ग्रुप में हमने भेजा है कल मैसेज कि भाई हमारे स्पेशल एक प्रोग्राम हो रहा है, आप सभी जुड़िए। बहुत अच्छा लगा, आपने हमारा गांव का दर्शन कराए मंदिर जी के, बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत खुशी हुई क्योंकि काफी दिन से दर्शन नहीं हुए थे मंदिर जी के, करावली जाने का मौका बहुत टाइम पहले हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपके भाव और विचार, क्योंकि निश्चित ही अपना गांव किसको प्रिय नहीं लगता है, और अपना गांव तो कुछ अलग ही है। प्रभु बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छांव, झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। तो वास्तव में अपना गांव सबको अच्छा लगता है। लोग कहते हैं गांव में सुविधाएं बहुत कम है, जितनी सुविधाएं हैं उतनी ही दुविधाएं हैं, उतनी ही परेशानियां हैं, जितनी शांति है वो एकांत में है, और उस शांति का वेदन आनंद भोगने के लिए हम सभी चले हैं। आइए हमारे और भी आमंत्रण करता परिवार जो कि इस क्षेत्र पर है, भरत भाई मुंबई से, तो यह भी इसी करावली गांव के ही हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। भरत भाई आपका माइक अनम्यूट करें, फ्रंट कैमरा। नमस्कार
जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी, आपके मंदिर, आपके गांव के मंदिर के दर्शन करके कैसा भाव आपको आज बन रहा है और सब साधन भी आपके साथ है? हमें बहुत अच्छा लगा, महावीर भाई ने बोल ही दिया है तो आज बहुत प्रसन्न हुई, हमारे गांव करावली के दर्शन हुए और यही भावना से हम जुड़ते हैं। जय जिनेन्द्र जी, जी बहुत निश्चित प्रसन्नता की बात है कि हम सभी आपके गांव के इस सच्चे मंदिर के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए अब हम चलेंगे अपने समय मर्यादा के अनुसार और हमारे सभी अन्य जो भी आमंत्रण करता है उनका हम बहुत बहुत अभिवादन रखते हैं। आइए हम चलेंगे आज इस पूजन में, चूंकि राजस्थान में है तो राजस्थान में कोई राजस्थानी भक्ति अध्यात्मिक हो कुछ पंक्तियों के साथ और उसके बाद हम जयमाला पाठ प्रारंभ करते हैं। निश्चित ही आप उत्साह के साथ भगवंतों के समक्ष अपनी भक्ति प्रदर्शित करें। उठे तो जिन वाणी के मारग मारग चालूर मारा पड़ेड़ा चालूर मारा जीवड़ा लग चौरासी फलदासी हो लग चौरासी फलदासी। उठे तो जिन वाणी के मारग मारग चालूर मारा पड़ेड़ा चालूर मारा जीवड़ा चौरासी तल जासी हो लख चौरासी तल जासी। कौन पारा संगे आयो कौन पारा संगे जासी कौन पारा संगे आयो कौन पारा संगे जासी। यानी को रख बंदा राचो 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 माना मनेगा पिछला भव की कमाई यह भव में तू खाई पिछला भव की कमाई यह भव में तू खाई अगला भव का काही सोचो 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 रे मारा बनेला सोचो रे मारा जीवला लख चौरासी तल जासी हो लख चौरासी तल जासी। तो जिनवाणी के मारग मारग चालूर मारा बनेला चालूर मारा जीवला लख चौरासी तल जासी हो लख चौरासी तल जासी। पिछले भव की कमाई इस भव में खा रहे हैं और वह कमाई खत्म हो उसके पहले ऐसा कोई कार्य प्रारंभ हो जाए जिसमें अथाह कमाई हो और ऐसी कमाई हो जो एक बार वह प्रकट हुए वैभव तो वह नष्ट नहीं हो, उस विधि को जानने के लिए आइए जयमाला के माध्यम से। हम भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली के जीवन वृत्त को जानते हैं, उनके जीवन से आदर्श शिक्षा ग्रहण कर उनके पद पर बढ़ने का मंगल संकल्प धारण करते हैं। जय बोले भरत बाहुबली आदिनाथ भगवान की जय हो। पंच कल्याणक पूज सब देव जिन राया साचे दीन दयाल कारण करण दयाला निधन सूर्य अभिलोक सत भावना भाई उनकी चावधार माल प्रवर तजीना अपस आस कुमार प्रतमाहार सुखीना संस्त वर्ष तत्कीन खाती अर्म नशाई दर्श ज्ञान सुख धीर प्रभु अनंत प्रगटाए संभव करण के माई नाथ दिल प्रदान द्वारा भगता मुक्ति मार धर्म तीर्थ सुख कारा पूर्ण चौरासी लाख आयु पूर्ण कर स्वामी आत्म गुण दिल सार बाहुबली भगवान अनुपम चरित्र
जीवन व्रत इस जयमाला के माध्यम से हमने और आप सभी ने देखा। वास्तव में देखा जाए सहस्त्र वर्ष तक किया हो या एक वर्ष तक किया हो या अंतर मुहूर्त काल में निर्वाण की प्राप्ति हो, पुरुषार्थ तो तीनों का एक जैसा ही था, लक्ष्य एक जैसा ही था। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो अंतर लगता है कि आदिनाथ भगवान को समय ज्यादा लगा, बाहुबली को उससे कम लगा और सबसे कम भरत चक्रवर्ती को लगा। लेकिन यदि हम एक दृष्टिकोण को थोड़ा सा पेना करें, सूक्ष्म करें, तो देखें कि 84 लाख पूर्व की जो आयु थी आदिनाथ भगवान की, 84 लाख वर्षों की इस आयु में इनके 83 लाख जो समय बीता, यह समय जो गया है इनका, यह क्या विषय भोगों में गया? हमको ऐसा लगता है कि वो तो विषय भोग में तन्मय थे। वहां स्वधर्मेंद्र को भी विकल्प आया कि क्या होगा भगवान, आपको तीर्थंकर होने वाले हो और आप यहाँ लगे रहे तो कैसे काम चलेगा। तो फिर उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि नीलांजना को भेजा जाए और ऐसी ढूंढी जिसकी आयु अल्प थी। कितना उठा पटक विकल्प करते हैं संसारी जगत जन, अरे जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। यही कार्य सहज होने वाला था और उतना समय भी उनका विषय भोगों में नहीं, तीन ज्ञान के धारी थे। तो तीन ज्ञान के धारी वह जीव निरंतर धर्म आराधना तत्व चिंतन मनन और स्वाध्याय क्रम में रहते हैं और अपने संस्थान को दृढ़ रखते हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान पे कोई शंका की जरूरत नहीं है कि बाहुबली पहले मोक्ष चले गए, मतलब गजब की बात है, बेटा तो पहले मोक्ष पधार गया और पिताजी ध्यान ही कर रहे हैं। यह कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कौन कब गया, लेकिन पहुंचे कहाँ है यह बात निश्चित तय करने जैसी है। हमारे पूर्वज मोक्ष चले गए, हमें उनको याद नहीं करना जो निगोद आदि में संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हम जिस कुल की बात कर रहे हैं उस कुल में हमारे पूर्वज मोक्ष चले गए हैं और हम उस कुल को देखें तो हमें उस मार्ग पर अब बढ़ना चाहिए। अब विषयों में भटकने का काल नहीं है,
देखिए भरत चक्रवर्ती जैसे जीव ने युद्ध क्षेत्र हो दिग्विजय प्राप्त की हो या बाहुबली ने युद्ध किया हो तो जगत कहता है बाहुबली ने भरत से युद्ध किया। वास्तव में दोनों अपने पूर्व कर्म के उदयों से युद्ध कर रहे थे और वह युद्ध स्वभाव के लक्ष्य से पूर्ण हुआ और उसके बाद उन्होंने कर्मों से युद्ध जीत कर दिग्विजय प्राप्त की और मुक्ति श्री को प्राप्त किया। ऐसे भगवंतों के चरणों में हम बारंबार स्तवन वंदन करते हुए आइए अंतिम जयमाला पाठ का ये दोहा पढ़ेंगे। मैं एक मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे कुंडलिया जी परिवार मुंबई जोगेश्वरी जिनके ग्रह चैतन्य का दर्शन हमने किया है। हाँ जी उनके परिवार से कोई भी सदस्य अनम्यूट करे माइक को आपका। हाँ जी पिताजी को चाहे तो हाँ बाबूजी को बुला लीजिए और माइक के सामने अनम्यूट कर लीजिए। हाँ भैया एक मिनट आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ है आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आने हाँ जी बोलिए अब आने लगी। हाँ जी जी जय जिनेन्द्र। आज करावली के मंदिर का दर्शन हुआ करावली गांव से मैं भी हूँ हमारे सभी सादरमीय और सभी सादरमीय इस कार्यक्रम में समय तो ले तो परिवार की तरह लगा। हमारे करावली में मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान है तो आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है आप कभी भी वहां पर आवे तो दर्शन करें। शाश्वत धाम से भी हमारे नजदीक पड़ता है उदयपुर से भी नजदीक पड़ता है। हाँ सलूमर से तो केवल 13 किलोमीटर है। इस प्रकार से हमारा करावली गांव स्थित है। आप सभी को मुंबई में भी हमारे ग्रह चैतन्य है हम सब जोगेश्वरी के सादर में यहाँ पे दर्शन लाभ और पूजन का लाभ लेते हैं। इस प्रकार से आप जोगेश्वरी में भी आपको निमंत्रण है आप अवश्य पधारे और हमें हमारे मंदिर का दर्शन करें। धन्यवाद और निश्चित ही आत्मार्थियों का निमंत्रण हमारे मन को भी उत्साहित करता है कि हम जाएं। लेकिन लोग कहते हैं आप जाओगे और पूजा बंद कर दोगे तो भी गड़बड़ी होने वाली इस कारण हम कहीं जा ही नहीं रहे अपने घर में ही है। लेकिन मैं आपको एक सूचना इसी क्रम में देना चाहता हूँ। कल मैं छिंदवाड़ा में नहीं हूँ छिंदवाड़ा से बाहर हूँ। कल यद्यपि मेरा प्रयास होगा कि मैं कल पूजन के समय तक उस जगह तक पहुंच जाऊं और प्रयास करने के हिसाब से लगभग कल यदि हम पूजन रखेंगे उसकी जानकारी मैं आज रात्रि में और कंफर्म करूंगा तो कल पूजन यदि होगी तो सियोनी के जिन मंदिर जो कि हमारे छिंदवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर है मुझे खुद ही मतलब पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। सुबह सुबह जल्दी निकलूंगा लेकिन प्रयास करूंगा कि 8:15 बजे का समय यदि हम वहां पहुंच सके तो वहां पूजन कल होगी और सियोनी के उन जिन मंदिरों के दर्शन होंगे जहां हमने स्वयं अपने जीवन का 35 साल बिताया और बहुत अच्छे जिन मंदिर है छिंदवाड़ा सियोनी में छोटे जिन मंदिर भी है। बृहद जिन मंदिर तो आपने देखा था 18 वेदियों का भव्य जनालय। आइए इस तरह से इसी मंगल भावना के साथ यह दर्शन पूजन का क्रम हमारा चले। कुछ साधर्मियों ने एक भाव और रखा कि जहां जिन मंदिरों की उपलब्धता नहीं है जो बहुत दूर दूर है नगर और जहां सहज उपलब्धता नहीं हो पाती है तो उनकी भावना थी हमें 1 साल से अब ऐसा हो गया हमें ये लगता है कि मंदिर दर्शन को तो मिल ही जाता है लेकिन पूजन कैसे करें क्योंकि वहां शुद्ध 13 पंथ आमनाएं नहीं है। ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं उन्होंने अपने विचार रखा बहुत भावनाएं ज्ञापित की। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि इस पूजन का स्वाध्याय क्रम जैसा चलता रहे और धीरे धीरे हम इसका लाभ लाभ साथ में लेते चले। आइए अंतिम दोहे का पाठ यहाँ करते हैं। ओ आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा ओ आई आई अंतर में ज्ञायक की महिमा आई आई अंतर में ज्ञायक की महिमा उछले है आनंद हे लो उछले है आनंद हे लो प्रभु मारा नाच राम धेनु प्रभु मारा नाच राम धेनु आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा पुजारी भक्ति भाव से जो करे ये होवे भगवान आदि व्याधि सब ही मिटे और सिद्ध ही होंगे चारों और सिद्ध ही होंगे चारों प्रभु मारा नाच राम धेनु प्रभु मारा नाच राम धेनु आई आई अंतर में
जय बोले 24 सितंबर भगवंतों की जय हो। जल फल आठो सुचि सारता को ओम नम श्री विश्वादि वीरन्ते व्यो नरक पद प्राप्ताय अर्घम निर्भुपामिति स्वाहा। जबरी शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मोल है समुच्चय महार्ग। मैं देव श्री अरहंत पूजो से पूजो चाव आचार्य श्री उपचाय पूजो सात पूजो भाव शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे शिव
कर प्रमाण के मानते गगन नबे के पुष्पांजलि छिपे सभी लोग तीन बार ओंकार मंत्र का स्मरण कर काय उत्सर्ग करें। विसर्जन पाठ क्षमा करना बिन जाने बजान के रही दुख जो को साथ में मरम करो जो सब पूरन हो सभी इस तरह मंगल दर्शन पूजन के बाद पुनः इस क्षेत्र का दर्शन करेंगे। आपको जानकर इस बात की प्रसन्नता होगी जिन चार पुस्तकों को आधार लेकर हम पूजा प्रतिदिन कर रहे हैं और लॉकडाउन से प्रथम जब हमने प्रारंभ की थी मार्च महीने से और अभी फिर मार्च लगभग आने की स्थिति पर आ गया है, हमारे सभी पूजने जितनी पुस्तकों में जो भी पूजने हैं लगभग पूर्ण हुई है। मतलब हमने एक से दो दो बार, कुछ पूजाएं तो दो से तीन तीन बार भी की हैं और लगभग सभी कुछ पूजाएं शेष हैं जिन्हें हमारा भाव है कि वह भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवंतों की भक्ति पूजन का जो ये कार्यक्रम या उपक्रम हमने प्रारंभ किया था ये हमारे जीवन में एक स्मरण स्वरूप अवश्य रहे। तो आगामी दिवसों में वह पूजन का लाभ भी प्राप्त होगा जो अब तक नहीं थी क्योंकि वो प्रसंग नहीं जुड़ पाते थे, लेकिन अब हम उन प्रसंगों को जोड़ेंगे और वह पूजन का लाभ आप प्राप्त करिएगा। कल के कार्यक्रम की सूचना लगभग 8:15 का समय हम तय कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो आप सूचना में देख सकते हैं। आइए एक बार इस मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। शरण तुम्हें हो।
से अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर करावली के जिन मंदिरों के दर्शन किए और खजांची जी की नसिया जो कि जयपुर में स्थित है वहां के दर्शन लाभ प्राप्त किए। आइए अब हम सभी चलते हैं अपने स्वाध्याय के क्रम में। समय सार कलश में 10वें कलश का स्वाध्याय अपना चलता है। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वच्छायाणम णमो यो वे सर्वसाहूढम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नं मा पूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालं प्रकाशयन शोध नयोभ्यदेति। मंगलाचरण स्वरूप जब हम यह पाठ पढ़ते हैं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते
चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। तो आत्मा यानी गायक स्वभाव चैतन्य स्वभाव वाला है, चित स्वभाव है और सर्व भावांतर छिदे अन्य सब भावों से जो रहित है। वही चर्चा इस कलश में आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्नम। देखिए जहां पर भी आचार्य भगवंतों की वाणी में कुछ भी कथन आया है, कोई भी बात आई है, वह सीधे अपने स्वरूप की चर्चा करने की अपेक्षा से अस्ति से हो तब भी और नास्ति से भी हो तब भी। जब कर्मों के स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं तो जीव कर्म से रहित है यह बताने के लिए कर्म के स्वरूप की विस्तृत व्याख्यान किया गया, और जहां स्वभाव का परिचय कराया गया है तो वह आत्म स्वभाव पर भाव भिन्न और अपने में पूर्ण है, ऐसी बात दृढ़ता से स्थापित करने के लिए जहां भी आप देखेंगे वीतरागी भगवंतों की मूल वाणी का ध्येय सिर्फ एक ही चीज निकलेगा, वह निकलेगा शुद्धात्मा। ऐसा वह ज्ञायक आत्मा कैसा है इसकी चर्चा इस कलश प्रवचन के आधार पर चलती थी। प्रश्न आता था, कोई प्रश्न करे कि प्रभावों से भिन्न कहा, इसमें वर्तमान पर्याय की भिन्नता भी आती है या नहीं आती है? कल ये प्रश्न अपन ने किया था स्वाध्याय में। समाधान यह है कि पर्याय है तो द्रव्य से भिन्न ही है, इसमें वर्तमान भूत और भविष्य का प्रकरण नहीं है। पर्याय जो है वह भिन्न ही होती है, उत्पन्न तो होती है द्रव्य में ही और गुणों के परिणमन का ही नाम पर्याय है, लेकिन वह उस द्रव्य से भिन्न है। किंतु यह बात यहाँ नहीं है। त्रिकाली को विषय करने वाली पर्याय क्रम और कर्म के भाव विभाव से भिन्न होकर अंतर में द्रव्य की तरफ झुकती है तो भिन्न पर झुकती कहाँ है? अपने द्रव्य स्वरूप की तरफ। क्या कह रहे हैं, कहाँ झुकती है? अपने द्रव्य स्वरूप की तरफ। देखा जाए कन्या जिस घर में उसने जन्म लिया है तो उसमें देखा जाए तो जो हम कह रहे हैं चाहिए कि खून का रिश्ता कहें, रक्त के संबंध कहें, तो वो है तो पिता के साथ मुख्य पले, माता पिता से, लेकिन उसका झुकाव किस तरफ होता है? झुकाव किस तरफ होता है कि वो जिसको दृष्टिकोण में अपना स्वीकारती है उसकी तरफ पूरा झुकती है, ऐसा ही है ना। ससुराल से कभी मायके जाती है तो मायका जाना लगता तो अच्छा है उसको और मायके में उसको आनंद भी होता है। हमारे में यहाँ तो कुछ अनुभवी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब घर में थोड़ा सा इनका मतलब महिलाओं का स्त्रियों का दिमाग गर्म होने लगे तो इनको मायके भेज दो, तो क्या होता है कि वहां बड़ा सुकून का जीवन जी के आ जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं उन्हें भेज भी दो, ये लौट के वापस क्यों आती है बता? बोले रह लेना, आराम से रह लेना। नहीं नहीं भैया, हमारा घर है, हमको अपने घर की चिंता है, हम अपना घर देखना। वहां भी जाए ना अपने मायके, तो कुछ कुछ जगह में तो ऐसा है कि मायके जाती है तो लिस्ट लेके जाती है अपने काम की। क्या इच्छा है? अपने गांव जा रहे हैं ना तो गांव से कुछ नहीं तो धनिया मिर्ची खरीद लाएंगे, वहीं से धो सुखा के ले आएंगे, मैंने देखा है, इसीलिए आपको कहता हूँ। हैं, वहां पे सस्ता मिलता है, अच्छा मिल जाता है, इधर समय नहीं मिलता है, मुंबई में कहाँ टेरिस में होगा, वहां कुआं के पानी से धो के ले आएंगे। अब विचार करना, रह रही है पिता के घर और परिणति झुकी हुई है अपने घर में। ऐसे वह पर्याय है तो द्रव्य से भिन्न, लेकिन झुकती कहाँ पर आकर के है? उसी द्रव्य पे समर्पित हो जाती है। वह ज्ञान की पर्याय जो उस द्रव्य पे समर्पित होके त्रिकालिक ध्रुव को लक्ष्य लेती है वह शुद्ध नय का विषय, और उस शुद्ध नय से ही आत्मा प्रगट रूप है। कैसा है? प्रगट रूप है। तब यह पर्याय आत्म स्वभावों को प्रभावों से भिन्न प्रकट करती है। कब करती है? जब अन्य द्रव्यों की तरफ से झुकना छोड़कर स्वद्रव्य की तरफ झुकती है तो वह द्रव्य इस ज्ञान की पर्याय में प्रकट हो जाता है। प्रकट तो था ही, सिर्फ ज्ञान में आना और श्रद्धान में स्वीकृति होना बस इतना ही सा काम है। क्या? देखो सुमेरु पर्वत है लेकिन आंखों में आपके कचरा आ जाए तो पर्वत सामने हो तो ना दिखे और आप टकरा जाओ, लेकिन कचरा हटा तो पर्वत दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो दिखा है तब पर्वत सामने आया है कि पर्वत तो पहले से स्थापित था, विराजित था। ऐसे द्रव्य तो त्रिकालिक शुद्ध था ही, जब ज्ञान की एक पर्याय ने उसको देखा, शुद्ध रूप देखा, तो कैसा प्रकट हो गया? शुद्ध रूप प्रकट। तथा
वह आत्म स्वभाव समस्त पने पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है, दर्शन से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है, शांति से पूर्ण है, स्वच्छता से पूर्ण है, प्रभुता से पूर्ण है और कर्ता से भी पूर्ण है, इत्यादि इत्यादि कह के मतलब और कितनी पूर्णता बताए। मां पूर्ण माध्यंत, ये तो हमने कुछ चीजें गिना दी, बाकी कैसा। देखो कोई वस्तु की जब प्रशंसा की जाती, कोई मिठाई की प्रशंसा की जाएगी तो अनेक गुणों के द्वारा की जाएगी, किसके अनेक गुणों के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, अनेक गुणों से उस मिठाई की प्रशंसा करने का कारण क्या है, क्योंकि एक प्रश्न उत्पन्न होता है, भैया ये मिठाई इतनी महंगी क्यों, प्रश्न आएगा ना, ये मिठाई बहुत लगती तो बहुत अच्छी है पर महंगी क्यों है। तो बताएंगे भैया महंगी इसलिए क्योंकि इसमें महंगी चीजें डली हुई है, हाँ इसमें केसर डली हुई है, इसमें इलायची डली हुई है, इसमें और भी ऐसे पदार्थ डले हैं जो कीमती हैं, तो उनकी कीमत इसमें समावेशित है, इसलिए ये पदार्थ भी कैसा है, कीमती है। तो आत्मा परिपूर्ण है, तो काय से परिपूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण, दर्शन से पूर्ण, आनंद से पूर्ण, शांति से पूर्ण, स्वच्छता से पूर्ण। पूर्ण का मतलब है पूर्ण होना नहीं है, पूर्ण है। शरीर अपवित्र है, आत्मा तो पवित्र ही है, क्या कह रहे हैं, हाँ देह को अपना मानना परतंत्रता है, आत्मा तो स्वतंत्र ही है, स्वतंत्रता से पूर्ण है, उसका द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र, और परिणमन सबका चल रहा है और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ चल रहा है। प्रभुता से भी पूर्ण है, प्रभु मैं सब बातों से पूरा, मैं भगवान बनूंगा तब पूरा होऊंगा ऐसा नहीं है, मैं भगवान हूं, यह दृष्टि पूर्णता को प्रकट करती है, हमें बताती है मैं पूर्ण हूं। कर्ता से पूर्ण, क्यों साहब कुछ काम करना बाकी है, कि आदिनाथ बाहुबली और भरत भगवान का तो काम हो चुका, वह कृत कृत्य हो गए और मेरा काम अभी बाकी है, तो वो कह रहे हैं कुछ करना ही नहीं बाकी है। कर्ता से पूर्ण आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव के कार्य से कभी रुकता ही नहीं है, उसका परिणमन कभी रुका ही नहीं है, जानने का कार्य निगोद से लेके सिद्ध अवस्था तक सभी द्रव्यों में हो रहा है, सभी जीव द्रव्यों में हो रहा है। क्या तो जानने का जो कर्तापन है, यानी ज्ञान गुण का परिणमन है वो पूर्ण, ऐसे अनंत गुणों का परिणमन कैसा, पूर्ण। ये बात ख्याल में आए ना, तो अभी तो गुणों की पूर्णता की चर्चा की गई है, तो वो द्रव्य कैसा होता होगा, क्या कह रहे हैं, वो द्रव्य कैसा होता होगा। लगी है जोरों की भूख और हम प्रशंसा करें भोजन की, बस थोड़ा सा 5 मिनट बैठो, बहुत सुंदर भोजन तैयार हो ही गया है, बस 5 मिनट और 5 मिनट बोलते बोलते 25 मिनट निकाल दिए। भारतीयों की आदत ही ऐसी होती है, बस 2 मिनट में आया अब भी, हमारी भी है वही आदत। टाइम तो दिया है 9:40 9:45 का, पूजा ही 9:30 पे खत्म होती है, 9:25 पे, उसके बाद बस 15 मिनट लेंगे, 20 मिनट लेंगे, और फिर लग गए तो 25 मिनट ले ली, 2 मिनट बस, 2 मिनट। ऐसे ये जीव मालूम है आदत पड़ी हुई ना, मार्ग तो सही है साहब, कल्याण तो करना ही है, बस थोड़ा निवृत्ति ली और किया मैंने, क्या बस ये घर गृहस्थी की जिम्मेदारी निभा लूं, थोड़ा निवृत्त हो जाऊं, बाल बच्चों को व्यवस्थित कर दूं, व्यापार आभार व्यवस्थित कर, निवृत्त हुआ और आत्म कल्याण किया, बस कितना साल 2 साल कमाना है, ज्यादा नहीं कमाना, उसके बाद फ्री। इसका साल 2 साल होता ही नहीं पूरा कभी, क्या कभी नहीं होता, पूरी पर्याय चली जाती है लेकिन समय मिलता ही नहीं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं तुम तो ये विकल्प ही नहीं करो कि पूर्ण करना है, तुम पूर्ण हो, जो करने की बात करोगे तो टालोगे, हाँ करने की बात की और टाला उसने, ये वो करना है, हाँ बात तो सही है, बात सही है। बोलो शंका है कहीं इस मार्ग में, हमको शंका है, ये रत्नत्रय मार्ग शंका का स्थान है कहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है। अभी हमको ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं भ्रम से हम इस मार्ग को पकड़े हैं, हो सकता है सुख शांति का रास्ता कोई और भी हो, ऐसा तो नहीं लगता। तो फिर बोलो अभी यह श्रद्धान सम्यक अभी पूर्णता को प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ अभी तक, अभी नहीं हुआ। ये हो जाता तो फिर उसका रस बाहर की तरफ से हटता,
अभी रस बाहर पड़ा हुआ है ना, अभी कहना तो आ गया पर मानना नहीं आया है। कहना आ गया है, हमको कहना आता है, हाँ बोलो सब बोलो, हूँ परमात्मा छू, हूँ परमात्मा छू, हाँ एम अनुभव कर, एम अनुभव कर, है तो करना अनुभव। वो कह रहे हैं कि अनुभव बोलने की बात नहीं, कर अनुभव कर, अनुभव बोलना आ गया। सुनो सुनो मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ, बोलो आप अपना अनुभव सुना सकते हो किसी को? अनुभव बताया ही नहीं जाता, बताया जब बता सकते नहीं हो अनुभव। शक्कर मीठी है, बताओ आप कैसी मीठी है, बताओ कैसी मीठी है। अब आप जो भी बोलोगे वो शक्कर का मिठास भर नहीं होगी, बाकी सब दूसरों की होगी। बोले आपने गन्ना खाया है, गन्ना वो गन्ने में जो मिठास होती है ना उसी से तो शक्कर बनती है। हम पूछ रहे शक्कर कैसी मीठी, आप गन्ने की बात क्यों करते हो? अच्छा चलो ठीक है, काम करो, गुड़ 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 तो खाया होगा आपने, गुड़ है? गुड़ खाया तो वैसी मीठी होती है, गुड़ जैसी मीठी होती है, तो फिर दो चीजें अलग अलग क्यों है? मिठास तो एक ही होनी चाहिए ना। नहीं वो वस्तु अलग अलग है, मिठास उसमें है, तो मिठास में भी तो कोई अंतर होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, जो व्यक्ति ये उदाहरण ही समझना, मैं कोई प्रेरणा एरणा नहीं देता, है ना, चाय पीता हो, अब चाय में शक्कर डाल के पीता हो और उसकी चाय में शक्कर की जगह गुड़ डाल दो, तो उसको भाएगी कि नहीं भाएगी? भाई मिठाई तो करना थी, डाल दी ना शक्कर की जगह गुड़ डाल दिया, चाय भाएगी कि नहीं भाएगी? तो क्या दिक्कत है, मिठास ही तो डालनी थी। नहीं, हमको वो मिठास चाहिए जो हमारे को प्रिय है। बताओ आप बता सकते हैं अनुभव कैसा? ऐसे आनंद जो अंदर में भरा हुआ है जब ये प्रकट होता है, तो आचार्य देव कहते हैं तुम इसके लिए पोस्टपोन मत करो इस काम को, कि करना है करना है, अभी स्वीकार करो, मैं ज्ञान से पूर्ण, दर्शन से पूर्ण, आनंद से पूर्ण, शांति से पूर्ण, स्वच्छता से पूर्ण। अभी कर्म के उदय का विकल्प छोड़ दो, ये कोई कर्म है, कर्म के उदय है, कर्म का बंध है, कर्म बंध रूप अवस्था, ये सब छोड़ो। स्वच्छ जिसमें कर्म परमाणु आए नहीं, जिसमें मोह राग द्वेष विकार आया नहीं, ऐसा मैं ज्ञायक परमात्मा अभी इस समय। कब हूं? इस समय। प्रश्न मैम कहां से चालू किया कि वो वर्तमान पर्याय का क्या करें? तो वो कह रहे हैं तुम वर्तमान पर्याय में भी भेद ज्ञान करके चलो, वो द्रव्य को छूती नहीं है, ऐसा स्वभाव है। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, भूतकाल वर्तमान और भविष्य। इसलिए अचर कुंद कुंद स्वामी ने शब्द डाला, वो हिंदी पद्यानुवाद है ना गाथा का, उसमें आया जो ज्ञात वो तो वो ही है। ये शब्द क्यों डाला? कोई पूछे हमें वो शुद्धात्मा बताओ, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, प्रश्न उत्पन्न किया, वह शुद्धात्मा कैसा है? हाँ तो परिचय तो उसी से कराएंगे, लक्षण भेदों से, ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, ये जो जानने का कार्य हो रहा है, ये आत्मा का है, ये सब करा रहे। फिर बोले और कैसा है, और कैसा है? तो आचार्य देव कहते हैं जो ज्ञात वो तो वो ही है, जो ज्ञात है ना, जो अनुभव में आ रहा है वो ही तो आत्मा है। हम ऐसा ना हो जाए आत्मा को समझने के लिए अपनी आत्मा को लेके बाहर खड़े हो जाए और फिर उसके बाद ढूंढने कहां है आत्मा, अपने घर से निकल जाए और अपने को ढूंढने लगे। जो ज्यादा व्यवस्थाओं के विकल्प से उलझे होते हैं ना लोग, उनके साथ ऐसी समस्या निर्मित हो जाती है। कर्तत्व बुद्धि जिनको होती ना, मुझे करना है मुझे करना है मुझे करना है, वो कर्ता ज्ञायक को लक्ष्य में नहीं ले पाते। क्या साहब, करना है कि हो रहा है उसे सिर्फ जानना है, हो रहा को जानना है, ये पुरुषार्थ है, करना कुछ नहीं है। और करने का विकल्प यानी मरना, जब ज्यादा कर्तत्व का बोझ आता है तो मरण की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। अच्छे से अच्छे कुशल कार्यकर्ता को जब ज्यादा कार्य सौंप दिया जाए और फिर वह समय पे पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि करने की अकेला ही आदमी है और काम जिम्मेदारी बहुत सौंप दी और माला भी पहना दी खूब सारी, अरे भैया इन जैसा तो काम करने वाला आदमी नहीं, वन मैन आर्मी है ये, वन मैन आर्मी, तो लगा दिया
तारीफ कर करके अब वो भेड़ा मर पच करके दिन रात एक कर रहा है। फिर उसके हाथ का काम निपट गए क्या? हाँ हाँ, बहुत से निपट गए, कुछ बाकी हैं, चल रहे हैं। अरे बाकी के जो निपट गए तो थोड़े और दे दें क्या आपको काम? क्या आपके जैसा कार्यकर्ता तो कोई है ही नहीं। तो क्या बोलेगा, एक मैं ही भर मिला हूं काम कराने के लिए, क्या कर करके मर जाऊं मैं? इसका मतलब है कर्ता बुद्धि में मरण की अनुभूति होती छोती है। घर परिवारों में ऐसी भाषा प्रयोग होती रहती होगी पति पत्नियों के बीच में, उसमें कोई बात नहीं है, है? जब वो लिस्ट बना के देती हैं हल्दी मिर्ची धनिया की कि ये लाके देना है, और अपन क्या बोलते हैं, अभी कितना रखा है, अभी कितना रखा, कितना बचा? तो बोले हमको तुम्हारी आदत मालूम है, तुम आखिरी दिन तक, जब आखिरी एक चम्मच बचेगी जब तक तुम यही पूछोगे कितनी, तुम पहले लाके दो। फिर वो बात आगे बढ़ती है, तो बात आगे बढ़ते हुए ये कोई लड़ाई नहीं है, ये घर गृहस्थी की समझ लो बर्तन है, खनकते रहते हैं, लड़ाई नहीं, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ। तो वो बात कहेंगे हमको तुम्हारी आदत मालूम है। मालूम कई बार ऐसा होता था, मैं तो अपने घर की बात बताता हूँ, कि शक्कर लानी बाजार से, बहुत पुरानी बात, तो हमारी माँ रिजर्व कोटे में रखती थी थोड़ी सी शक्कर एक डिब्बे में, है ना, दो डिब्बे होते थे, एक डिब्बा जिससे रोज प्रयोग होता है और एक स्टोरेज डिब्बा होता है, उसमें थोड़ी जब बची ना एक किलो आधा किलो, तो वो लिस्ट में लिख देती थी शक्कर। तो पिताजी थे थोड़े से इस दृष्टिकोण से कि परे संग्रह ज्यादा नहीं करना, नहीं तो खराब होता है ना। अब उनकी तरफ से उनका पक्ष भी सही है कि लास्ट डे पे तुम फिर भूल गए या नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी, और इनका यह है कि तुम संग्रह करके खराब होएगा तो हिंसा का दोष बनेगा, ऐसा दृष्टिकोण। इस बात पे चर्चाएं हो जाती थी कभी कभी। अब क्या चर्चा होगी, हमको मालूम है तुम तो अपना लिखने बैठ जाओगे या अपने काम में लग जाओगे, तो हमारी शक्कर कौन लाके दे? तो वो कहते थे मैं 2 मिनट में लाके दूंगा, 2 मिनट में, तुम तो जिस दिन बोलो मैं 2 मिनट में लाके दूंगा। हाँ, वो फिर उत्तर देती थी हमको आपका 2 मिनट पता है, क्या हमको आपका 2 मिनट पता है। बात ख्याल में आ रही है? ये आचार्य देव कह रहे हैं इसलिए तुम्हें मौका ही नहीं दे रहे चूकने का, कि कुछ करना बाकी है ये वाली बात दिमाग से निकाल दो। अभी कह रहे हैं ज्ञान से पूर्ण, दर्शन से पूर्ण, अभी वो पर्यायों के पार देख, अभी भगवान को देख करके भी अपनी पामरता ना देख, प्रभुता को देख। भगवंतों को देख के प्रभुता का ख्याल में आनी चाहिए, पामरता नहीं। ये दिगंबर जैन वितरागियों का मार्ग है, ये प्रभुता का उद्घोष करने वाला मार्ग है, पामरता का दिखा करके जीव को हीन दशा में नहीं ले जाता। एक मार्ग ही ऐसा है, निर्ग्रंथ मार्ग, जहां पे भगवान कहते हैं कि बैठना है तो बाजू में बैठो, नीचे नहीं बैठना। क्या बाकी सब कहां? चरणों में बैठो, चरणों में बैठो, चरणों में बैठो, समस्या बताओ, आशीर्वाद देंगे, समस्या समाधान होएगा। अब वो कहते हैं कि समस्या कुछ है ही नहीं, समस्या यही है कि तुम्हें अपनी ताकत की खबर नहीं, अपनी सामर्थ्य नहीं मालूम है, यही समस्या है। देखिए, आत्म स्वभाव समस्त परिपूर्ण है, और यह समस्त अनंत शक्तियों से आत्म स्वभाव परिपूर्ण है। कौन से? ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। 3 लोक में संख्या में अनंत जीव हैं, इनसे अनंत गुणे परमाणु हैं, इनसे अनंत गुणे 3 काल के समय है। रात का लोक भावना चल रही है ना, अपनी प्रारंभ हुई है, उसकी चर्चा भी यहाँ पे आने लगी। 6 द्रव्यों का जो संसार स्वरूप है, विश्व की रचना कैसी है वो बता रहे। 3 लोक में संख्या में जीव कितने? अनंत। और पुद्गल द्रव्य कितने? अनंत अनंत। अब समझना, यहाँ अनंत गुने परमाणु लिखा है, तो परमाणु भी सबसे सूक्ष्म अविभागी प्रतिच्छेद परमाणु भी अपने में परिपूर्ण है, और वो एक द्रव्य है। क्या कह रहे हैं? परमाणु भी द्रव्य है। अभी कोई कहेंगे कि हम तो द्रव्य उसको समझते थे जो स्कंद रूप अवस्था है, लेकिन द्रव्य शुद्ध होता है कि नहीं? तो परमाणु शुद्ध है कि नहीं? स्कंद अवस्था तो अशुद्ध को कहा जाता है, अशुद्ध दो या दो से मिल गए तो अशुद्धि आ गई, और जो शुद्ध है वो एक है। तो परमाणु भी कैसा है? पूर्ण द्रव्य है। तो कितने द्रव्य हैं पुद्गल? अनंतानंत, अनंत ही नहीं, अनंतानंत। और इसके अनंत गुणे 3 काल के समय है। 3 काल का समय कितना? वह
अनंत अनंत से भी अनंत अनंत है ना। इसमें अनंत गुणे आकाश के प्रदेश हैं, इससे अनंत गुणे एक जीव में गुण है। लो भैया इतनी सारी व्याख्या काय के लिए की, इतनी सारी सब चर्चा काय के बताई, अनंत गुणे अनंत गुणे अनंत गुणे अनंत गुणे, वो अनंत गुणे ला करके किसके ऊपर लाके रख दी बात, तेरी मतलब मेरी बात। वो कह रहे हैं कि वो जो अनंत अनंत सुनता है ना, तो तू ऐसा सोचता है मेरे से ज्यादा तो वो, मेरे से ज्यादा तो वो, लेकिन लौट करके बात आके कहां रुकी। वो अनंत अनंत है और उसमें तीन काल के समय अनंत अनंत है, और उससे भी ज्यादा ये है, उससे ज्यादा वो है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, आखिर में कहां आया, इससे अनंत गुणे एक जीव में गुण है। अपनी महिमा का बखान तो देखा जाए तो गणधर भी नहीं कर सक रहे, आत्मा की महिमा है ना। इसलिए केवली के अपेक्षा तो नहीं कही जाएगी बात, क्योंकि केवली के ज्ञान से कुछ अछूता नहीं है, लेकिन वह उसका बखान नहीं कर रहा है, उसका अनुभवन कर रहा है। कौन? केवली भगवान। हमें जो दिव्य ध्वनि में आती ना चर्चा, ये तो गुण भेदों से बात हमको समझाई जाती है, पर जो अनुभव करता है वो उसको बोलता ही नहीं। आप विचार करो, भगवान आत्मा की बात मुंह से क्यों नहीं बोलते और हम हर बात मुंह से ही बोलते हैं? क्योंकि हम भेद प्रभेदों से बताने वाले हैं और वो अभेद अनुभूति में लगे, अभेद अनुभूति वाले के वचन व्यवहार होता ही नहीं है। अनुभूति होती है ना तो वचन व्यवहार ही नहीं है अनुभूति के काले में, और उनके पूर्ण हो गई तो वहां पे ऐसा कोई विकल्प होने का अवसर ही नहीं है। ईमानदारी से कहें बहुत व्यस्त हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं। क्या कह रहे हैं? बहुत व्यस्त हैं। क्या बात कर रहे हो? भगवान को काम क्या है, मुनिराजों को काम क्या है? क्योंकि तो हमको लगता करतूतले तो सिर्फ हम ही है संसारी जन, भगवान को काम क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, सेवानिवृत्त व्यक्ति रिटायर्ड पर्सन बिजी होता है कि फ्री होता है? फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई काम नहीं। विकल्प विकल्प होते कि नहीं होते उनको? होते कि नहीं होते विकल्प? कि पहले तो कहीं उपयोग एक आध जगह लग जाता था नौकरी में व्यापार में, अब तो विकल्प अगर उसने इधर नहीं लगाया जिनवाणी में देवसात गुरु में, उसके विकल्प चार गुने बढ़ गए। हाँ? कर कुछ पाएगा नहीं, सामर्थ्य कुछ नहीं है, पर विकल्प तो बहुत करेगा। बच्चे लोग इस बात से परेशान होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे नहीं बैठे, इसलिए बड़ों लोगों को बता देता हूँ। अपने लायक व्यवस्था हो जाए ना तो दुकानदारी के विकल्प में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें भाग्य का जो है तुम करो अपना, हमने तुम्हें उस अनुसार शिक्षा ज्ञान जो देना था दे दिया अपनी भूमिका अनुसार, अब तुम्हारी पात्रता योग्यता से अपना चलाओ। क्या लाभ हो तो तुम्हारा, हानि हो तो तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे विकल्पों में मुझे सिर्फ हानि है, लाभ बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रहे हैं? बच्चा अच्छा कमाता हो इससे मुझे क्या लाभ, और वह निकम्मा हो और नुकसान कर रहा हो, लेकिन मेरे पास मेरा रिटायरमेंट का पैसा है जिससे मैं अपनी आजीविका पूरी कर लूंगा, अपना जीवन चला लूंगा, हाँ, तो फिर मेरे को टेंशन की क्या बात। नहीं, टेंशन तो मोह का होता है ना, अरे इनका भी जीवन स्थापित हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी लाइन से आ जाए। सबको लाइन से लगाने वाले अपनी लाइन पहले छोड़ देते हैं, होता है कि नहीं होता है? सबकी व्यवस्था करने के विकल्प में हम अव्यवस्थित हैं। अब साहब संसार अवस्था में तो ऐसे ही होगा, इसलिए तो आचार्य देव कहते हैं इस संसार अवस्था से भी भिन्न प्रत्यक्ष अभी अनुभव अपने को, क्योंकि जब तक अनुभव में नहीं लाओगे तब तक उसका अभाव होने वाला नहीं। विषय भोग राग रंग में फंसे रहकर आत्मा की चर्चा सुनते रहने से भी कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि राग की जो धारा है वो उसका प्रवाह इतना तेज होता है कि ये जो तत्व हम सुनते हैं समझते हैं ये उसके ऊपर से वो धारा का प्रवाह बहता है, तो कहना चाहिए सब करे धरे पे पानी फिर जाता है। यद्यपि इतना जरूर है जो विनय पूर्वक तत्व अभ्यास आदि करते हैं, अभी चारित्र मोहनी के उदय में उनके ऐसे सब दिखेगा सांसारिक विकल्प जंजाल, लेकिन ए होने पर भी
वह जीव उस विनयाचार के बल से, उस विशुद्धि की अनुमोदना के बल से, उस आत्म आराधना के लक्ष्य के बल से कभी ना कभी पुरुषार्थ उग्र करके मुक्ति को पा ही लेंगे। लेकिन बात यह है, ये तो अनंत काल बीत गया, ये सब ऐसा चर्चा सुनते करते उत्कृष्ट आचरण पालते, लेकिन अभी संसार अभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तूने अपने को उस समय यानी प्रति समय शुद्ध अनुभव नहीं किया, पूर्ण अनुभव नहीं किया। जब तक शुद्ध और पूर्णता का अनुभव नहीं होगा तब तक वह लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं। देखा जाए, कोई राजा की पटरानी हो और उसका मति भ्रम हो जाए, मति भ्रम मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, पागलपना आ जाए उसको, और वो महादरिद्री की तरह भीख मांगती फिरे शहर बस्ती में जाकर के, उसकी दरिद्रता मिटाने का उपाय क्या है? बता सकते हैं क्या है उसकी गरीबी मिटाने का उपाय क्या है? गरीब नहीं है वो, लेकिन अपने को गरीब मान करके बैठ चुकी है, गरीब मान के बैठ चुकी है। मैंने सुना था, प्रवचन सुनता हूं तो उसमें ऐसा दृष्टांत आया, एक सेठानी की लड़की, सेठानी का निधन हो गया तो सेठानी की जो वसीयत संपत्ति थी उसने अपनी लड़की के नाम पे लिख दी, और जो लड़की थी छोटी थी तो घर की नौकरानी को बता दिया कि क्या कहते हैं, ये मेरी जितनी भी वसीयत प्रॉपर्टी है ना, ये जब बड़ी हो जाए, संभालने योग्य हो जाए तो इसको बता देना, जिसको मेरी लड़की को। अब वो नौकरानी के घर रहे। अच्छा, नौकरानी का तो अधिकार नहीं क्योंकि वसीयत तो लिखी गई है उसकी, तो दस्तखत तो उसी के होंगे ना मिलने के लिए। तो वो उसने क्या की, एक फोटो के पीछे रख दी, यानी खुद की फोटो थी घर में टंगी, उसके पीछे वो सब कागज पत्र रख दी, और उसका तो निधन हो गया। अब ये लड़की अपने को क्या मान रही है, नौकरानी की लड़की, तो क्या काम करे, झाड़ू पोछा लगाए, जो काम करती है उसकी माँ समझ रहे, वो तो नौकरानी को ही माँ मान रही ना अपनी। हाँ, अब साफ सफाई करने की तो काम ही था, धंधा ही वही था नौकरानी का। एक दिन दूसरों के घर की साफ सफाई छोड़ के अपने घर की साफ सफाई करना चालू की, दीपावली के पहले करते लोग साफ सफाई करते करते वो फोटो भी सफाई करने को लिए उतारी। अब सुनना, जैसे ही सफाई के लिए फोटो उतारी तो कागज गिरे उसके पीछे से, फोटो के पीछे से। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, वो कागज गिरा और जैसे ही कागज पर नजर पड़ी कि जो सामने हवेली है जिसमें मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, वो हवेली की मालकिन तो मैं ही हूं। अब मैं कहता हूं वो पोछा समेट के धो के सुखाएगी कि नहीं सुखाएगी जो पोछा लगा रही थी, है? वो झाड़ू उठा के रखेगी कि नहीं रखेगी? अरे भाड़ में गई झाड़ू पोछा, आज तक मजदूरी कर रहे थे क्योंकि पता ही नहीं था कि हमारी मालकिन है। आज पता चला कि प्रभु मैं सब बातों से पूरा, जब ये पता चला तो पर्याय की पामरता रही कि गई? नहीं पंडित जी, ऐसा सोचेंगे ना तो निश्चित पक्का भरोसा एक दिन पक्के में चली जाएगी, एक दिन पक्का चली जाएगी। अरे नहीं, तूने अभी सद्धान में लिया ही नहीं, लिया होता तो ये विकल्प ही खत्म हो गया होता। बात ख्याल में आती, इस तरह से ये चर्चा है। कल विषय संभावित इसका स्वाध्याय तो हम नहीं कर पाएंगे कल, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूँ उस कार्य में वहां अनुकूलता नहीं है, और रात्रि का भी संभावित मैं ना लौट पाऊं तो इसलिए विराम कल रात्रि का, आज की घोषणा नहीं, आज रात्रि में तो कक्षा चलेगी, कल प्रातः काल पूजन का जरूर उपक्रम अपन रखने का प्रयास करेंगे। आइए हम सभी इस तरह इस मंगल तत्व की आराधना करते हुए संसार दुखों से मुक्त होने का उपाय जाने, उसका सम्यक श्रद्धान करें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो उवच्छायाणम णमो लोये सबसाहूढम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो उवच्छायाणम
रमो लोए सब साहूडम रमो अरिहंताडम रमो सिद्धाडम रमो आयरियाडम रमो उवच्छायाडम रमो लोए सब साहूडम। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। रात्रि में 8:30 बजे लोक भावना की चर्चा करेंगे। जो परिवार आज आमंत्रण कर्ता में थे, यदि उन्हें भक्ति स्तुति आदि लेना हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे सूचित करें। सभी लोग मंगल आराधना के पथ पर आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से विराम सभी को जय।